अब जगह जगह तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं, यत्र तत्र चमत्कारों में तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें जगह जगह तांत्रिकों के चक्करों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें यत्र तत्र उपाय कराने की दूसरे मजहबों में रविवार शनिवार किसी भी दिन जाने की आवश्यकता नहीं। नेपाल के लोगों जाग जाओ, अपने ही सनातन धर्म में हनुमान जी जैसे देवता विराजमान हैं, जिनके पास सब समस्या का समाधान है। संकट कटे मिटे सब जो सुमरे, संकट ते हनुमान मन क्रम बचन ध्यान जो, सब पर राम तपस्वी तिनके काज सकल तुम। अरे बागेश्वर हनुमान जी महाराज कलयुग में हनुमान जी संकटों को मिटाने वाले हैं। किसी के भी घर पर बीमारी हो, दवा कामना कर रही हो, बहुत परेशान हो, तो आपको किसी तांत्रिक किसी अन्य मजहब में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक कटोरी में गंगा जल लीजिए, हनुमान जी का दिया हुआ उपाय है, सुनिए। एक कटोरी में गंगा जल लीजिए, घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांध लीजिए, अर्जी बागेश्वर धाम की लगा लीजिए और एक चौपाई नोट कर लीजिए, बहुत ही पावरफुल चौपाई है हनुमान जी की, हनुमान चालीसा की चौपाई। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर। इस चौपाई को 108 बार बोल करके कटोरी के गंगा जल में फूंक लगाकर बीमार रोगी को पिला दीजिए, रोग में आराम लगने लगेगा, आशीर्वाद है। कोई काम सफल नहीं होते, परेशान हो, बिल्कुल चिंता ना करो, नारियल बांधो लाल रंग के कपड़ा में, साल में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी प्रारंभ कर दो और एक चौपाई का 108 बार जाप करिएगा, चौपाई बहुत ही पावरफुल। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस चौपाई को 108 बार बोलिएगा, बिना पर्चा बने ही आपके काम सफल होने लगेंगे, बागेश्वर बालाजी की सेना आ जाएगी। अब तुमको भूत बाधा परेशान करती, भूत चिंता मत करो, तुम्हारे घर पर आवे भूत तो अब तुम्हारे साथ रहेंगे राम जी के दूत। हाँ, एक काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग डालिए और मंत्र बहुत ही पावरफुल है, लिखिए, ओम बागेश्वराय बीर बीराय हुम फट स्वाहा, ओम बागेश्वराय बीर बीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को काले रंग के कपड़ा में लौंगों को बांधकर, इस मंत्र को बोलकर अपने हाथ में या गले में बांध दीजिए, कैसे भी भूत हो तुम्हारे पास आएंगे भूत तो भयंकर मार मारेंगे राम जी के दूत। हाँ, जय जयकार हो जाएगी, भूत भाग जाएंगे, उनको गली नहीं मिलेगी, कहां जाना है। और फिर ज्यादा परेशान हो जाओ तो बागेश्वर धाम आ जाना, हमारे हनुमान जी के पास चमीटा भी है खतरनाक वाला, सन्यासी बाबा के पास। तो इन नियमों का पालन करना है, बात समझ में आ गई।